हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ क्लास 9 फिजिक्स फ्रॉम एडियाटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब स्टूडेंट्स, मोशन चैप्टर में हमने बहुत सारे पैरामीटर्स पढ़े, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर रिलेट किया, ग्राफ्स बनाए, इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है कि इन पैरामीटर्स को, ठीक है, जो भी पैरामीटर्स हमने मोशन में पढ़े हैं उनको लाने वाला कौन है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऑब्वियस इनको लाने वाला फोर्स है, फोर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले फोर्स, ठीक है। फोर्स एक्चुअल में क्या है, ये आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। फोर्स इज द पुश और पुल, ठीक है। पुश मतलब कि हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, पुल मतलब कि उसको खींच रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो पुश एंड पुल है, अगर मैं डायग्राम मेरी दिखाऊं, तो अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं तो ऑब्वियस पुश की है, ठीक है, ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं तो दिस इज द डायग्राम ऑफ पुल। अब स्टूडेंट्स, पुश एंड पुल, पुश एंड पुल जो फोर्स है, अब ये क्या क्या करता है वो देखते हैं हम। सबसे पहले फोर्स, ठीक है, ट्राइज टू और प्रोड्यूसेस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। जो स्टूडेंट रेस्ट पे बॉडी होती है, फोर्स उसको मोशन में ले आता है, ठीक है। सेकेंड, फोर्स स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को वो स्टॉप कर देता है, ठीक है, मतलब कि बॉडी जो मोशन में उसको रेस्ट पे ले आता है फोर्स, ठीक है। और फोर्स क्या करता है, फोर्स कैन चेंज स्पीड, ठीक है, या कह लो फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी, ठीक है। और क्या करता है फोर्स, फोर्स कैन रोटेट अ बॉडी, ठीक है। और क्या क्या कर सकता है फोर्स, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज, कैन चेंज शेप एंड साइज, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स, फोर्स इज अ एक्सटर्नल एफर्ट या फोर्स इज अ पुश और पुल दैट ट्राइज टू, मतलब यह ट्राई करता है या सच में प्रोड्यूस कर देता है मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। सेकंड, फोर्स ट्राइज टू और स्टॉप्स ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तीसरा, फोर्स कैन चेंज स्पीड, ठीक है, फोर्स कैन रोटेट अ बॉडी, फोर्स कैन चेंज शेप, ठीक है। ये सभी आपने जूनियर क्लासेस में फोर्स के इफेक्ट्स को पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स, और भी हम बातें कर लेते हैं यहाँ पे फोर्स की। अब फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑब्वियस जो फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ कि चेयर पे फोर्स लगाओ, मैं कह दूँ यहाँ चेयर पड़ी है इस पे फोर्स लगाओ, तो आप पूछोगे ना सर कितना फोर्स लगाएं, सबसे पहले मैग्नीट्यूड, फिर आप पूछोगे किस डायरेक्शन में लगाएं, क्योंकि चेयर कहाँ से कहाँ लेकर जानी है, ठीक है, तो डायरेक्शन भी पूछेंगे। तो फोर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से तो जाना जाता ही है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरा जो फोर्स है ना, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से भी जाना जाता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब फोर्स मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे मैंने ये रिमोट ले लिया, ठीक है, अब इस रिमोट पे अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब इस पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये बॉडी आगे को मूव कर रही है लीनियर मोशन में, ठीक है।
अगर इसी पे ही मैं फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगा दूं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अब ये वाला था, तो बॉडी रोटेट करने लग गई। ठीक है, वैसे ही इसको अगर मैं ऐसे रख दूं, ठीक है, अगर नीचे फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी लीनियर मोशन होएगी, ठीक है, ऊपर फोर्स लगा दूंगा तो ये गिर जाएगी, ठीक है, मतलब रोटेटरी मोशन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो मतलब ये भी चीज़ पे डिपेंड करता है कि फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी इसकी डेफिनेशन करता क्या है वो हमने देख लिया। ठीक है, बॉडी रेस्ट पे मोशन में लेगा, बॉडी मोशन में रेस्ट पे लेगा, चेंज कर देगा स्पीड, वेलोसिटी चेंज कर देगा, ठीक है, और रोटेट कर देगा बॉडी को, और शेप एंड साइज को चेंज कर देगा। ठीक है, और तीन चीज़ों से जाना जाता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसकी अब SI यूनिट्स वगैरह, हम इसका एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है वो हम न्यूटन सेकंड लॉ में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सिंपली फोर्स। अब स्टूडेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है, ठीक है, एट्थ में पढ़ा होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है? जहाँ पे दो बॉडीज का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मस्कुलर फोर्स। ठीक है, अब ये पेन मैंने उठाना है यहाँ से, ठीक है, पेन को उठाया तो मैंने मस्कुलर फोर्स लगाया। ठीक है, मस्कुलर फोर्स मतलब कैसे, क्योंकि देखो मेरा इसके साथ कॉन्टैक्ट है ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो ऑब्वियस मैंने अपने मसल्स की एनर्जी से पेन को उठाया। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स है मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, और कौन सा है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये तो हमने नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इस चैप्टर में अच्छे से कवर करना ही करना है टॉपिक। ठीक है, अब जो फोर्सेस, जिन फोर्सेस को लगने के लिए बॉडीज का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कह देते हैं। ठीक है, तो जैसे मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स की डेफिनेशन क्या होंगे, फोर्स विच एक्ट्स विद द एक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है ना, मस्कुलर मैकेनिकल फोर्स क्या होएगा, बस यहाँ पे अपने मसल से फोर्स लग रहा है, मैकेनिकल फोर्स मतलब मशीन्स लगा रही हैं। ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड बाय द मशीन्स इज अ मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, तो अब वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स, ये तो हमने अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन करनी करनी है इस चैप्टर में। एक और होता है टेंशन, ये भी हमने अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, और होता है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स कह लो, इलास्टिक फोर्स भी कह लो, जब हम शेप चेंज करते हैं तो ये फोर्स प्ले में आता है। ठीक है, तो इन सभी फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, टेंशन के क्वेश्चंस करने, नॉर्मल फोर्स के, फ्रिक्शनल फोर्स के, स्प्रिंग फोर्स के, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ये तो चलो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो बॉडीज़ का। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, अब जैसे ये मैं छोड़ दूँ पेन तो ये अर्थ की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना हुआ है, अर्थ ने, अब अर्थ से कोई रस्सी निकली है, उस रस्सी ने इसको लपेट लिया और नीचे ले गई अर्थ। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है, इसको छोड़ दिया मैंने, इसको छोड़ दिया, फिर कॉन्टैक्ट तो है नहीं अर्थ और इसका, मगर तब भी अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स इज एक्टिंग, दैट्स वाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस ये एक दूसरे को खींच लेंगे। ठीक है, विदाउट द कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट तो है नहीं, ऐसा थोड़ी ना पॉजिटिव चार्ज से बाजू निकली और उसने अपनी तरफ खींच लिया नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, तो आपको ये भी पता है लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक अट्रैक्ट करते हैं। फिर मैग्नेटिक फोर्स आ गया, मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट्स के बीच में फोर्स होता है। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट है और ये भी नॉर्थ साउथ मैग्नेट, तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। तो हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमने नहीं पढ़ना,
ग्रेविटेशनल फोर्स का अलग चैप्टर है, ग्रेविटेशन उसमें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो चलो है ही नहीं आपके नाइन्थ की फिजिक्स में, मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं है नाइन्थ की फिजिक्स में, ठीक है, ये दो फोर्सेस टेंथ की फिजिक्स में आएंगे। तो ऑब्वियस स्टूडेंट्स हमने सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। चलो अब स्टूडेंट्स बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है, सबसे पहले हमने कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी, अब हम बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड के बेसिस पे करेंगे। अब स्टूडेंट बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, मान लो एक ब्लॉक है, जैसे यहाँ पे ब्लॉक है, तो ए बंदे ने भी यहाँ पे फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो फोर्स होता है ना, फोर्स की एसआई यूनिट होती है, बाकी हम यूनिट्स की बातें और अच्छे से डिटेल में करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ में। तो आप यहाँ पे जान लो कि जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है, क्योंकि काम आएगा अभी हमें कब, क्योंकि मैं कोई भी फोर्स लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा अगर हमें यूनिट ही नहीं मैंने बताई, तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखता, ठीक है। मैं कहना चाहता था कि ये आदमी ब्लॉक पे इतना फोर्स लगा रहा है, तो 100 फोर्स लगा रहा है तो उसके साथ यूनिट भी बतानी पड़ेगी ना। तो अभी आप जान लो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और सीजीएस यूनिट होती है डाइन, सीजीएस यूनिट इज डाइन, ठीक है। बाकी एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं इसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अब स्टूडेंट्स मान लो दिस इज मैन ए, दिस इज मैन बी, मैन ए ने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और मैन बी ने भी 100 न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे फोर्सेस हैं बैलेंस्ड, ठीक है। नेट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, अगर फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में तो सीधे ऐड कर दो, या दूसरा तरीका क्या होता है, अब यहाँ पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है तो क्या होएगा, F1 प्लस F2, ठीक है, F1 प्लस F2 नेट फोर्स अगर फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन एज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये वाला फोर्स जो है वो प्लस हो जाएगा, ये फोर्स जो है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो F1, दिस इज F1 एंड दिस इज F2, ठीक है। तो F1 यहाँ पे 100 और F2 माइनस 100, तो नेट फोर्स आ जाएगा ज़ीरो। नेट फोर्स ज़ीरो का मतलब क्या है, फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, ठीक है। रिजल्टिंग फोर्स, नेट फोर्स को स्टूडेंट्स रिजल्टिंग फोर्स भी कह देते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स नेट फोर्स यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैंसिल आउट द इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर इन सच अ वे दैट द रिजल्टिंग फोर्स इज ज़ीरो, देन द फोर्सेज आर सेट टू बी बैलेंस्ड। यहाँ पे फोर्सेज क्या हैं, बैलेंस्ड हैं, ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी जान लो, नेट फोर्स अगर ज़ीरो हो ना तो हम कह देते हैं बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम वर्ड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब कि क्या सिग्निफिकेंस है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेट फोर्स यहां पे आ गया जीरो आ गया। अब स्टूडेंट्स आगे आप देखो, ये तो हो गए बैलेंस्ड फोर्सेस, अब नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स यहां पे टग ऑफ वार का मैच चल रहा है, ठीक है, तो इस टीम ने 400 न्यूटन अप्लाई किया इस डायरेक्शन में और इसने 300 न्यूटन अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, अब फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि ये जो टीम है ये ज़्यादा फोर्स लगा रही है इस टीम से, ठीक है। तो नेट फोर्स आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, क्या आ जाएगा नेट फोर्स, अब फ्रेंड्स इस फोर्स को F1 मान लो, इस फोर्स को F2 मान लो, ठीक है। आपको बताया भी है मैंने, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो सीधे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अगर सेम डायरेक्शन में तो सीधे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर सब्ट्रैक्ट करना है, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो मतलब नेट फोर्स जो आएगा वो किसकी डायरेक्शन में आएगा, जो बड़े वाला फोर्स है। चलो अब देखो यहाँ पे नेट फोर्स स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इज 400 माइनस 300, ठीक है। F1 F2 से भी करके दिखाता हूँ, पहले ऐसे देख लो, दो तरीके होते हैं,
तो नेट फोर्स यहाँ पे आ जाएगा 100, और नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, जो बड़े वाला फोर्स है, बड़े वाला फोर्स F1 है, तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो नेट फोर्स है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -100, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस उसकी डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका देख लो, एफ नेट इज इक्वल टू F1 + F2, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो साइन के साथ आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अब ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है हमने, ये नेगेटिव मानी है, ठीक है। तो F1 की डायरेक्शन इधर है, तो मैं क्या लिखूँगा, -400 प्लस F2 की वैल्यू 300, तो मतलब यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ गया, -100 न्यूटन, ठीक है। अब माइनस का मतलब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है। या तो ऐसे कर लिया करो या ऐसे कर लिया करो, अपोजिट डायरेक्शन से सब्ट्रैक्ट कर, तो जो नेट फोर्स आएगा किसकी डायरेक्शन में आएगा, बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। स्टूडेंट्स, दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स, जब एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो कैंसिल नहीं होता, ठीक है। मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डू नॉट कैंसिल आउट द इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर सच दैट रिजल्टिंग फोर्स इज नॉन जीरो, द फोर्सेज आर सेट टू बी अनबैलेंस्ड। ओके स्टूडेंट्स, इस नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है। देन दिस फोर्सेज आर सेट टू बी अनबैलेंस्ड। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखो, अब स्टूडेंट्स अब हुआ क्या, हम फोर्स के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले अब हमने एक्चुअल में लॉज पढ़ने हैं यहाँ पे मोशन के, ठीक है। तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जो कि 3 है, उन लॉज के आने से पहले साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है ना। पहले जैसे एरिस्टोटल ने मतलब इस फील्ड में वर्क किया, ठीक है। तो उसके जो लॉ थे, मतलब एरिस्टोटल ने जो लॉ दिया था वो मतलब कि एक्यूरेट नहीं था, जिसको हम एरिस्टोटल फैलसी से भी जान लेते हैं, ठीक है। उसकी भी मैं डिस्कशन करूँगा आगे। तो उसका लॉ हमने नहीं माना, ठीक है। वो हालांकि गैलीलियो ने आके उसके लॉ को गलत ठहरा दिया था, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स, गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे ये जो बॉल है, ठीक है, ये बॉल की हाइट यहाँ पे h है और यहाँ पे भी h है, मगर दोनों प्लेन्स की जो इंक्लिनेशन है वो सेम नहीं है, ठीक है। मतलब कि स्लोप तो आप जान ही चुके हो, तो इसकी स्लोप ज़्यादा है इस प्लेन की, इसकी कम है, ठीक है। तो गैलीलियो ने ये देखा, अगर मैं यहाँ से h हाइट से कोई बॉडी को छोड़ूंगा तो वहाँ इस प्लेन पे h हाइट पे आके रुकेगी, मगर उसने ये सरफेसेस फ्रिक्शनलेस ली थी, ठीक है। अगर फ्रिक्शनल होएंगी सरफेसेस तो फाइनल हाइट इनिशियल हाइट से कम आएगी, मगर उसने फ्रिक्शनलेस सरफेसेस ली थी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब वैसे ही इसने फिर इंक्लिनेशन पहले ये रख ली, फिर ये कर ली, फिर इंक्लिनेशन और बढ़ा दी, ठीक है, और बढ़ा दी। तो उसने हर बार देखा कि जो हाइट अचीव हो रही थी वो सेम हो रही थी, ठीक है। फिर उसने स्टूडेंट्स एंड में जाके ना इंक्लिनेशन इसकी ज़ीरो कर दी, तो उसने देखा कि बॉडी अब रुक ही नहीं रही है, चल रही है, कभी रुक ही नहीं रही है यहाँ पे आके फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, ठीक है। तो उसने कहा कि जब बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बॉडी चल रही है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलती रहेगी। यहाँ से उसने कहा कि उसने देखा जब बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ गई तो बॉडी की मान लो 10 m/s स्पीड होगी, ठीक है। तो बॉडी उसने देखा कि रुक ही नहीं रही है अगर सरफेसेस फ्रिक्शन लेस है, तो उसने कहा कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स ना लग जाए, ठीक है ना। अब हमें पता है, हम जब जैसे कोई बॉल है 10 m/s से चल रही है, ठीक है, वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक जाती है, क्यों, फ्रिक्शन के कारण। मगर यहाँ पे उसने सरफेसेस ही फ्रिक्शनलेस लिए थे, तो उसने देखा कि बॉडी रुक ही नहीं रही है, ठीक है।
तो उसने अपना लॉ दिया कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन भी रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। उसके साथ इसने ये भी जोड़ दिया कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ठीक है ना। इसने कहा कि यूनिफॉर्म मोशन एंड रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन एंड रेस्ट, ठीक है, ये दो स्टेट्स हैं मोशन की। मोशन की स्टेट्स हैं कौन सी, दो स्टेट्स ऑफ मोशन है कौन सी, रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये दो स्टेट्स जो हैं ये इक्विवेलेंट है दूसरे के, ठीक है, मतलब एक ही बात है, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ठीक है। मेहनत इसने करी, मगर न्यूटन ने बाद में देखा हाँ भाई इसका लॉ बिल्कुल ठीक है, तो न्यूटन ने इसके लॉ को अपना फर्स्ट लॉ बना दिया, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही है, बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती रहेगी जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है, ए बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल अंटिल नेट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, ये स्टूडेंट्स एक बॉडी है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है, तो ऑब्वियस अगर चल रही है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी है एफ, ठीक है, तो बॉडी ऑब्वियस कुछ ना कुछ चल के डिस्टेंस रुक जाएगी, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये फ्रिक्शन है यहाँ पे 10 न्यूटन, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन और मैंने एक्सटर्नल फोर्स भी 10 न्यूटन लगा दिया, ठीक है। तो अब बॉडी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से ही चलती रहेगी क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स क्या आया, ज़ीरो आ गया, ठीक है। नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो बॉडी अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी। फोर्सेस ज़रूर लग रहे हैं, ठीक है, फोर्सेस यहाँ पे ज़रूर लग रहे हैं, मगर यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, ठीक है, फोर्सेस ज़रूर लग रहे हैं मगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, ठीक है। बॉडी अगर रेस्ट पे पड़ी है, जैसे यहाँ पे मैं बॉडी एक रेस्ट पे ले लेता हूँ, ठीक है, रेस्ट पे है, अगर यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे भी 10 न्यूटन लग रहा है, अब यहाँ पे भी नेट फोर्स ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो है, यहाँ पे भी नेट फोर्स ज़ीरो है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी नेट फोर्स ज़ीरो है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब कि नेट फोर्स ज़ीरो हो गया तो बॉडी जो उसका स्टेट है उसी स्टेट में ही रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो अब देखो इनर्शिया, अब स्टूडेंट्स
न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही इनर्शिया एक्सप्लेन हो जाता है। न्यूटन ने क्या कहा या गैलीलियो ने क्या कहा, बॉडी रेस्ट पे रहेगी, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है, बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। द प्रॉपर्टी बाय विच इट डजंट वांट टू चेंज इट्स स्टेट या इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इट्सेल्फ। ठीक है ना, मतलब कि जैसे मर्जी एक्सप्लेन कर लो, जैसे मैंने फर्स्ट आपको बताया एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन इट्स स्टेट, ठीक है, या कह लो इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, टू चेंज स्टेट बाय इट्सेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा लिख देता हूं, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज स्टेट बाय इट्सेल्फ। ठीक है, जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है, इनएबिलिटी या एबिलिटी ऑफ बॉडी टू अपोज चेंज इन इट्स स्टेट, ठीक है, या कह लो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट डजंट वांट टू चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, एक ही मतलब है सभी का, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट डजंट वांट टू चेंज, वांट टू चेंज इट्स स्टेट। ओके, तो ये स्टूडेंट्स हैं इनर्शिया। ठीक है, बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है, अगर उसे मोशन में लाना चाहते हो तो उसको अपोज करेगी। ठीक है ना, तो अगर उसकी वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट को वो मेंटेन रखना चाहती है, ठीक है, उसको चेंज होना नहीं देना चाहती। तो इसको स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम मास के साथ, मास के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मास 50 केजी है तो 50 केजी इनर्शिया नहीं है, ठीक है, इनर्शिया एक फीलिंग है, ठीक है ना। मास अगर 50 केजी है तो ऑब्वियस है 50 केजी इनर्शिया नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हो मोर इनर्शिया, ठीक है, लेस मास लेस इनर्शिया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेस मास लेस इनर्शिया। अब आप खुद देखो, एक कार है, एक ट्रक है, ऑब्वियस ट्रक हैवी है, तो दोनों रेस्ट पे पड़े हैं, दोनों को मोशन में लेकर आना है, तो ज़्यादा मुश्किल किसको है लाना, ट्रक को, ठीक है ना, क्योंकि ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा है, तो ट्रक ज़्यादा ऑपोजिशन दे रहा है किसको, अगर उसकी स्टेट चेंज करना चाहे, ठीक है, तो वो ज़्यादा अपोज करेगा।
ठीक है, ज़्यादा ऑपोजिशन वो क्रिएट करेगा अगर उसकी स्टेट चेंज करना चाहते हो, ठीक है, ट्रक की विद कंपैरिजन टू कार, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ है, अगर वैसे ही दो कार एंड ट्रक दोनों मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, अब दोनों को रोकना है, ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल किसको है रोकना, ट्रक को, क्योंकि जो ट्रक में ज़्यादा टेंडेंसी है उसी वेलोसिटी से मूव करने की, ठीक है। तो ट्रक की अगर स्टेट चेंज करनी है तो उसको अपोजिशन मतलब ज़्यादा क्रिएट करेगा ट्रक, ट्रक को अगर 10 मीटर पर सेकंड से रेस्ट पे लेकर आना है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टेंडेंसी है अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इनर्शिया है वो तीन टाइप्स का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, तो थ्री टाइप्स का होता है, इसे भी लिख लेते हैं। तो एक एक करके अब हम डिस्कस करेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब करते हैं डिस्कस, सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन क्या होगी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट वांट्स टू मेंटेन इट्स स्टेट दैट इज रेस्ट, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है ना, टू अपोज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे गिलास है, गिलास के ऊपर एक कार्ड पड़ा है, प्लेइंग कार्ड ले लो, प्लेइंग कार्ड के ऊपर एक क्वाइन पड़ा है, ठीक है, और यहाँ से आप फ्लिक करो, ऐसे ऐसे फ्लिक करोगे कार्ड को, तो ये क्वाइन जो है ये ग्लास में गिर जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वाइन वांट्स टू रिमेन इट्स स्टेट, क्योंकि क्वाइन रेस्ट पे पड़ा था और मोशन दे दिया हमने कार्ड को, ठीक है, तो क्वाइन जो है वो रेस्ट पे रहना चाहता है इसलिए ग्लास में गिर गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखो, आपने ये बहुत बारी देखा होगा, आप बस में बैठे हुए हो, ठीक है, बस अभी रेस्ट पे है, अब ड्राइवर ने एकदम से एक्सलरेटर दबा दिया तो आपको पीछे को झटका लगता है, ठीक है, पहले देखो बंदा ऐसे पकड़ के था, पकड़ के खड़ा था, जब एकदम से इसने एक्सलरेशन दी तो उसको पीछे को झटका लगा, ठीक है, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसने एक्सलरेटर दबाया तो ये मोशन में चली गई कार, मगर आपकी बॉडी रेस्ट पे थी तो वो रेस्ट पे रहना चाहती थी इसीलिए पीछे को जर्क लगा। अब समझो जो लोअर बॉडी है जैसे फीट है, फीट तो बस के बेस प्लेटफॉर्म के साथ कांटेक्ट में थे, ठीक है, बस के बॉटम के साथ कांटेक्ट में थे, तो फीट तो उसके साथ चलने लग गए, मगर आपकी जो अपर बॉडी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन करना चाहती थी इसीलिए पीछे को झटका लगा, ठीक है ना, तो वी फील जर्क इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, या इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन द कार इज एक्सेलरेटेड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रांचेस को या ट्री को हम शेक कर रहे हैं, सारे फ्रूट्स नीचे आके गिर रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ब्रांचेस को ट्री को दे दिया मोशन, मगर फ्रूट्स वांट टू मेंटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, इसीलिए यहाँ ये नीचे गिर गए, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने देखा होगा यह सोफ़ा हमारे घर में जो पुराना सोफ़ा होता है, ठीक है, अब उसको हम हिट करें, ठीक है, अगर स्लैप करें तो उसमें मिट्टी निकलती है,
क्यों? क्योंकि आपने सोफे पे जब आपने उसको स्लैब किया तो ऑब्वियस आपने उस क्लॉथ को मोशन दे दिया, मगर डस्ट पार्टिकल्स वांट टू मेंटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। वैसे ही आप सोफे की जगह कोई मैट ले लो, ठीक है, मैट पे स्टिक से मारोगे तो मिट्टी बाहर निकलती है, क्योंकि स्टिक से मैट को आपने मोशन दे दिया, डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट पे रहना चाहते थे, ठीक है, इसीलिए वो डिटैच हो गए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इनर्शी ऑफ रेस्ट की। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट इनर्शी ऑफ मोशन। इनर्शी ऑफ मोशन स्टूडेंट्स, वही डेफिनेशन तो इसकी वही होगी, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। स्टेट ऑफ रेस्ट की जगह स्टेट ऑफ मोशन आ जाएगा, ठीक है, मोशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कितना भयानक एक्सीडेंट हो रहा है। ऐसा अब क्यों होता है? ऐसे थोड़ी ना कहते सीट बेल्ट लगा के रखो। अब एकदम से गाड़ी जब रुकेगी, अब गाड़ी तो मोशन में है तो आपकी बॉडी भी मोशन में है, ठीक है। तो एकदम से ब्रेक अगर लगे तो आपकी बॉडी की टेंडेंसी रहेगी मोशन में रहने की, ठीक है। तो आपकी बॉडी की टेंडेंसी है मोशन में रहने की, तो इसलिए बॉडी जो है उसको आगे को जर्क लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि सीट बेल्ट लगा के रखा करो, ठीक है, बिकॉज इसका इनर्शी ऑफ मोशन जो है वो इसको वो चाहता है कि ये बंदा आगे ही चलता रहे। मतलब इनर्शी ऑफ मोशन वो चाहता है ये कि ये मोशन में ही रहे, मगर गाड़ी को तो रोक दिया, आपकी बॉडी रुकी नहीं, बिकॉज ऑफ इनर्शिया बॉडी वांट्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, तो आगे को वो उसको जर्क लगता है, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स जैसे कि और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे आप बस से जंप करते हो, चलती बस से जंप करते हो, ठीक है, कभी करना मतलब रिस्की होता है। आप देखोगे जब जंप करोगे आपको कंडक्टर कहता है कि आगे को फेस करके जंप करना, ठीक है, मतलब पीछे को फेस करके ना जंप करना, आगे को। ऐसा स्टूडेंट्स क्यों कहता है? क्योंकि आप बस में आप चल रहे हो, ठीक है, बस का मोशन है तो आप भी मोशन में हो, आपके पास इनर्शी ऑफ मोशन है। जब आप गाड़ी से जंप करोगे तो आपके जो फीट हैं वो रेस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है, मगर बॉडी अपर बॉडी की तो टेंडेंसी होएगी मोशन में रहने की, ठीक है, तो आप अपने सिर के बल गिरोगे, ठीक है, मतलब हैवी इंजरीज आ सकती हैं, सीरियस इंजरीज आ सकती हैं। तो हमेशा बस से जब जंप करते हो तो कंडक्टर कहता है कि जंप बस की डायरेक्शन में ही करना, मोशन की डायरेक्शन में ही, ठीक है, आगे को फेस करके, और जंप करने के बाद एकदम से रुक मत जाना, थोड़ा सा भागना, ठीक है, अगर नहीं भागेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे, ठीक है, सीरियस इंजरीज आ सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड हो तो आप समझ ही जाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे ये स्टूडेंट्स लॉन्ग जंप की बात है, हम जब भी ऐसे जंप करेंगे तो कितना को कर लेंगे जंप, ठीक है, मगर उससे पहले हम रनअप लेते हैं। रनअप से क्या होता है, हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाता है, उससे हम काफ़ी दूर तक जंप कर सकते हैं, ठीक है, तो लॉन्ग जंप में रनअप अच्छा होता है, ठीक है। तो अब वैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एरोप्लेन था, एरोप्लेन से बॉम्ब कोई निकल गया, ठीक है, अब एरोप्लेन बॉम्ब तो एरोप्लेन से कॉन्टैक्ट उसका छूट चुका है, ठीक है, एरोप्लेन से निकल चुका है, मगर ये जो है उसकी ये पाथ है, ये इसका पाथ ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन था, ठीक है, क्योंकि वो प्लेन से छूटा है ना, तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो ऐसे गिर रहा है, ना कि ऐसे गिर रहा है, ठीक है, ऐसे गिरेगा इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। क्योंकि जब एरोप्लेन से निकला तो जितनी वेलोसिटी एरोप्लेन की थी उस इंस्टेंट पे उतनी वेलोसिटी इसको बॉम्ब को मिल चुकी थी, तो वो इसलिए ऐसे गिरेगा ना कि यहाँ पे गिरे, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स था इनर्शिया ऑफ मोशन। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट
कैटेगरी भी देख लो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होएगा, डेफिनेशन इसकी मतलब कि वही प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट डजंट वांट टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, या इट अपोजिस द या रिजिस्ट द चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन है। चलो ये डेफिनेशन लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू अपोज चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी भी, जैसे अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पाइप को कट कर रहे हैं तो स्पार्क्स निकल रहे हैं यहाँ से। अब स्पार्क्स जो हैं वो आप देखो स्पार्क्स कैसे निकल रहे हैं, स्पार्क्स इससे टेंजेंशियली निकल रहे हैं। ये देखो ये मोशन में है, ठीक है, क्योंकि मतलब कि ये जो ब्लेड है ये मोशन में है, ठीक है, रोटेटरी मोशन में है, घूम रहा है, ठीक है। और जो स्पार्क पार्टिकल्स है ना वो टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ हो रहे हैं, देखो टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ हो रहे हैं। ऐसा स्टूडेंट्स क्यों हुआ, ऐसे बहुत सारी और एग्जांपल्स भी आपको देता हूँ। मान लो मैं स्ट्रिंग के साथ स्टोन को बांध के उसे मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो जब स्ट्रिंग यहाँ पे आ गई तो ये टूट गई, तो स्टूडेंट्स क्या होएगा, अब इसका इसकी जो डायरेक्शन है इट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली, ठीक है, क्योंकि जब स्ट्रिंग टूटी तो इसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब जो डायरेक्शन थी वो इस तरफ थी, उसका इनर्शिया इस तरफ था, ठीक है, मतलब क्योंकि उसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे टूटने से जस्ट बिफोर उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी ना, मतलब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इस तरफ था, तो इसीलिए इट विल फ्लाई ऑफ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये है, और भी आपको एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि आपको पता है जैसे आपका बाइक का टायर है पीछे मड गार्ड होता है, ठीक है, मड गार्ड इसलिए क्योंकि अगर मान लो नीचे चीकड़ है, मड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो नीचे अगर कीचड़ है तो वो पार्टिकल्स जो हैं जब टायर के साथ कांटेक्ट में आएंगे, देन दे विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली, मतलब कि जो मड पार्टिकल्स हैं दैट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियल, और मड गार्ड जो है वो इसे रोक देता है, नहीं तो पीछे जो आपके व्हीकल होगा उस पे जाके मड पार्टिकल्स टकराएंगे, फिर वो फालतू की गाली देगा, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है, इसीलिए मड गार्ड लगाना चाहिए। अब फ्रेंड्स वैसे ही जब हम गाड़ी को मोड़ते हैं, ठीक है, गाड़ी हमने घुमाई, गाड़ी जब मैंने घुमाई यहाँ से, तो अब आप ये व्यू देखो, ये कार के अंदर का व्यू है, ये टॉप व्यू है, तो यहाँ पे कुछ पड़ा था, जब मैंने घुमाई तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से बाहर को चला गया, ठीक है, आपने खुद देखा हो, अब गाड़ी पे बैठोगे आप, गाड़ी एकदम से घुमाओगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से आप बाहर को गिरोगे, ठीक है, तो वही चीज़ है ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये इतने एग्जांपल्स देने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि बहुत बार एनटीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपको एग्जांपल दी होगी और कहा होगा कि विच टाइप ऑफ इनर्शिया इज दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो, अब
अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए ब्लॉक। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए ब्लॉक। अब आपको पता है ये दो फोर्सेस हैं, ये एक डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में तो सी ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और ये बन जाएगा 350 न्यूटन, ठीक है, और ये 300 न्यूटन आया। तो ब्लॉक है, ब्लॉक पे इधर लगा 300 और इधर 350 न्यूटन, ठीक है, तो नेट फोर्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा, थ्री फिफ्टी माइनस 300 दैट इज 50 न्यूटन, ठीक है, और नेट फोर्स की डायरेक्शन बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में होएगी 50 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो, व्हेन ए कार सडनली स्टॉप्स योर बॉडी टेंड्स टू कीप मूविंग, क्या आएगा आंसर फ्रेंड्स, इनर्शिया ऑफ मोशन का फॉरवर्ड, ठीक है ना, एकदम से कार रुक गई और आपकी बॉडी की टेंडेंसी होएगी फॉरवर्ड जाने की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ए बुक विल नॉट मूव बाय इट्सेल्फ बिकॉज इट हैज इनर्शिया, ठीक है ना, इनर्शिया की डेफिनेशन ये भी थी, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इट्सेल्फ इट्स स्टेट ऑफ, ठीक है, मोशन, तो अपने आप से वो चेंज नहीं कर सकती, इनएबिलिटी है, ठीक है, तो ऑब्वियस इनर्शिया इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, लॉ ऑफ वेलोसिटी नहीं, लॉ ऑफ फोर्स नहीं, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मतलब इनर्शिया डिफाइन ही न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हुआ है, इसीलिए लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह देते हैं उसे। ए मड पार्टिकल्स फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली आफ्टर द कॉन्टैक्ट विद टायर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे इसलिए आपको एग्जाम्पल सारी पता होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 m/s कम्स टू रेस्ट आफ्टर 2 seconds, ठीक है, इफ वन वांट्स टू कीप दिस बॉडी मूविंग ऑन द सेम सरफेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 m/s देन द फोर्स रिक्वायर्ड इज, फ्रेंड्स ये अब वही क्वेश्चन आ गया, कोई बॉडी है 2 kg की 4 m/s से चल रही थी, ठीक है, और टाइम 2 seconds में वो आ गई रेस्ट पे, वेलोसिटी होगी इसकी अब 0 यहाँ पे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक्सेलरेशन देख लो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन अब आप देखोगे, अब फ्रेंड्स आपको ना एक और फॉर्मूला, मतलब एक्चुअल में ये क्वेश्चन न्यूटन फर्स्ट लॉ का नहीं है, न्यूटन सेकंड लॉ का भी है, तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय।